So, आपने कभी ऐसा देखा है किसी ब्रांड पेज पे ब्रांड की बात हो रही हो और वहां पे कोई एजिटेटेड और डिसअपॉइंटेड कस्टमर आके अपनी कंप्लेन कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो हर फोरम पे जाके सेम कंप्लेन कॉपी पेस्ट कर रहे हो, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? हमने भी बहुत बार देखा है, बट इस बार ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। सो, मेरा नाम है गुलीन कौटिकू और मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मैं आपके लिए ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड उससे दो बातें होंगी, एक तो हम भी मोटिवेट होंगे एंड वील मेक मोर मोर वीडियोस, एंड सेकेंड विल भी आपको भी जो भी फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप भी अपडेटेड रहेंगे उसके साथ और आपकी क्वेरीज सिंप्लीफाई होती रहेंगी। और हमारी टैगलाइन भी यही है कि आपको खुशी देना, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। मैं बात कर रही थी कि आपने कभी देखा है किसी एजिटेटेड कस्टमर को, किसी डिसअपॉइंटेड कस्टमर को फोरम पे जाके, ब्रांड के फोरम पे जाके अपनी कंप्लेन कॉपी पेस्ट करते हुए। ऐसे ही कुछ हमारे हमारे साथ भी हुआ। मैंने मैक्सवो पर रिएश्योर का डिटेल्ड रिव्यू बनाया था, जिसके बारे में मैंने डिटेल में उसका स्कोप ऑफ कवरेज और सब कुछ बताया था कि क्या क्या कवर्ड है प्लान में और क्या क्या नहीं कवर्ड। तो उस पर काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी और काफ़ी एंगेजमेंट हुई थी उस वीडियो के ऊपर। और उस पर ही एक सज्जन आए जिन्होंने अपनी ग्रीवेंस, अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करते हुए मैक्स भूपा के अगेंस्ट कंप्लेंट डाली। सो उन्होंने कहा, गुरलीन कौर टिक्कू मैम, द रीइंबर्समेंट प्रोसेस इन मैक्स भूपा इज वेरी 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 बैड। आई हैड अ क्लेम एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड ऑन 30th September 2020। टिल टुडे द कंपनी हैज नॉट क्लियर द क्लेम। आई हैव कॉल्ड देम 50 टाइम्स फॉर 1 hour ईच, बट द कस्टमर केयर पीपल आर सो बैडली इनफॉर्म, दे हैव नो आइडिया अबाउट द क्लेम। आफ्टर 45 डेज मैक्स भूपा आस्क्ड फॉर डिस्चार्ज समरी विच वॉज ऑलरेडी सबमिटेड ऑन डे 1। It is just a tactic for delaying claim. First they gave 2 hours stat for reimbursement of max hospital claims, but 50 days have passed. So, जब मैंने पढ़ा ये comment तो मुझे अच्छा नहीं लगा, because I've been representing Max Bupa for quite a while now and उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो अगर कोई Max Bupa के against ऐसी complaint आ रही है, तो future में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे किसी customer के जो policies हमने सोर्स करी है उनके साथ भी ऐसा कुछ problem हो। तो मुझे लगा ये कुछ communication gap है या कुछ problem है, वो problem identify करने के लिए मैंने भी उनको बोल दिया। मैंने कहा आप अपना क्लेम आईडी शेयर कीजिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इफ वी कैन। सो उन्होंने अपना क्लेम आईडी शेयर किया। क्योंकि ये मैक्स भूपा थी तो मुझे प्रॉब्लम की रूट तक तो जाना ही था, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया मैं काफी साल से एसोसिएटेड हूँ मैक्स भूपा के साथ। तो मेरा जो मेरे कस्टमर्स के ऊपर भी जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ और जो मैक्स भूपा का भी ट्रस्ट है, वो भी एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्रेडिबिलिटी खराब ना हो जो इतने साल से बिल्ड हुई है। सो आई अप्रोच मैक्स भूपा एंड शेयर दी डिटेल्स, आई एस्केलेटेड इट कि ये प्रॉब्लम क्यों है और कस्टमर इतना एजिटेटेड है। सो पता लगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये क्लेम एक लॉजिकल एंड पे नहीं जा पा रहा था, एक लॉजिकल एंड नहीं पहुंच पा रहा था। सो वो फैक्टर्स कुछ ऐसे थे, एक तो कम्युनिकेशन गैप, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था कि क्लेम कौन से स्टेज पर है, वो क्लाइंट को कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। दूसरा, देयर वाज नो वन टू फॉलो अप, मतलब कस्टमर वाज कॉलिंग दी मैक्स भूपा कस्टमर केयर एवरी टाइम, बट अगेन बिकॉज उन्होंने पॉलिसी किसी एजेंट या एडवाइजर के थ्रू नहीं ली हुई थी, और उन्होंने ली हुई थी किसी बैंक के थ्रू, बैंक के चैनल के थ्रू ली है, और बैंक में भी आपको पता है आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं होती है। सो वो पॉलिसी सिर्फ वहां से सोर्स की हुई थी, तो उनको खुद ही फॉलो अप करना था, तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू फॉलो अप नहीं हो रहा था। एंड मेनली जो था वो कम्युनिकेशन गैप था। सो मतलब इससे एक लर्निंग निकल के आती है, व्हाट एन एक्सपर्ट कैन डू, ही बिकॉज ही नोज हाउ द कंपनी ऑपरेट्स, ही नोज हाउ द प्रोसेसेस आर, कि काम कैसे होता है कंपनी के अंदर। तो वो एक एक्सपर्ट की जो जरूरत है वो आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटरमीडियरीज हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहले थी। सो अगर ये पॉलिसी उन्होंने किसी एडवाइजर के थ्रू ली होती तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं उनको हेल्प जरूर मिलती। सो जब भी कोई एक्सपर्ट के पास जाते हैं, इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भी कोई आते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छी तरह से गाइड करना पॉलिसी के लिए, कि कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है, कौन सी सही नहीं है, अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट कौन सा है उनके लिए, और पूरे प्रोसीजर क्या है, मतलब दे नीड टू नो व्हाट इज रेलेवेंट फॉर देम, कि क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, एंड आफ्टर सेल्स प्रोसेस क्या होगा। सिर्फ पॉलिसी सोर्स ही नहीं करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता, उसको बाद में भी मेंटेन करना, और एक रेपुटेशन भी साथ में हमारी बिल्ड होती रहती है ओवर द इयर्स। मैक्स भूपा को वापस आते हैं क्लेम के ऊपर, जब मैक्स भूपा से बात करी और अर्जेंसी दिखाई कि दिस हैज टू बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली एंड ऑन अर्जेंट बेसिस, कि ऑलरेडी 50 डेज हो चुके हैं एंड उनको क्लेम नहीं मिला है, सो वी नीड टू फिगर आउट कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। मैक्स भूपा ने भी इसको अर्जेंटली एस्केलेट करा टू द हाईएस्ट लेवल एंड जल्दी से जल्दी रिजोल्व करने का प्रॉमिस करा उन्होंने मुझे। ये सब मेल और एस्केलेशन करने के सिर्फ 2 दिन के बाद मैक्स भूपा ने उनका क्लेम अप्रूवल की कंफर्मेशन उनको दे दी। सो जिसके लिए वो 50 डेज से धक्के खा रहे थे, इधर उधर बात कर रहे थे, जहां उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, वहीं उनको 2 दिन में सॉल्यूशन मिल गया। फिर वो वापस आए हमारी वीडियो के ऊपर, जब उनको सॉल्यूशन मिल गया, जब उनको क्लेम की कंफर्मेशन होगी, क्लेम ही केम बैक अगेन ऑन द वीडियो टू राइट थैंक्स मैसेज। सो क्या लिखते हैं वो, उन्होंने लिखा, आई वॉज हरास्ड बाय मैक्स भूपा फॉर क्लेम एज दे वर नॉट क्लियरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इवन आफ्टर 50 डेज ऑफ सबमिशन, बट देन गुरलीन जी कॉल्ड मी आफ्टर आई रोट कमेंट ऑन यूट्यूब
टू माई सरप्राइज गुरलीन जी गॉट माई क्लेम पास इन मंडे. यस इन मंडे. मैंने तो 2 days बोला, एक दिन में एक्चुअली में क्लेम पास हुआ था. सो एब्सोल्यूटली वंडरफुल एक्सपीरियंस डीलिंग विद गुरलीन जी. थैंक यू सो मच जी. पॉलिसी वॉज टेकन थ्रू IDBI बैंक बट स्टिल गुरलीन जी हेल्प मी. सुपर्ब सुपर्ब सर्विस ऑफ हरिपत्ती. सो दिस वॉज समथिंग विच एक्चुअली यू नो टच्ड मी एंड माई टीम्स हार्ट कि एक्चुअली किसी को जरूरत थी और हमने उसको हेल्प करी. सो जब उन्होंने पहला कमेंट लिखा था, जब मैंने उन पर रिप्लाई किया था कि आप अपना क्लेम आईडी शेयर करें, सो उस टाइम पे ना वो रेपुटेशन, एक तो ऑफकोर्स इंश्योरेंस एजेंट्स की भी रेपुटेशन जो मैक्स भोपा की पॉलिसी सोर्स कर रहे हैं, प्लस मैक्स भोपा की रेपुटेशन भी ऑन स्टेक थी. सो आई टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहीं ना कहीं ये गैप फिक्स करा के ये रेपुटेशन को रीगेन करना है. इवेंचुअली वो मतलब एक वेलविशर बन गए हमारे और उन्होंने अच्छा लिखा आके, एंड ही वॉज सुपर इम्प्रेसिव. And he bought insurance policy through us. He became our customer and bought the insurance policy of the same company जिससे उनको पहले जिनकी services पे doubt था, उन्होंने Max Bhopa की insurance policy हमसे खरीदी. सिर्फ one time transaction नहीं है, वो एक long term relationship है I'm sure. So he may give us referrals in future and he's a customer for life because we took the timely action और उनको help करी, and Max Bhopa ने भी urgency claim की समझी, urgency इस scenario में समझी और जल्दी जल्दी क्लेम सेटल करने की कोशिश करी. तो उसमें जो रेपुटेशन दोनों की बनी रही, क्रेडिबिलिटी दोनों की बनी रही, एंड वो कस्टमर रिटेन ही नहीं, वो आगे के लिए भी कस्टमर बन गया. अब आप पूछेंगे मैं आपके साथ ये सब शेयर क्यों कर रही हूँ. पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ. किसी को प्रॉब्लम थी और उन्होंने आके कंप्लेन करी हमारे प्लेटफॉर्म पे. दूसरा, हमने प्रॉब्लम समझी और हमने उनके ऊपर एक्शन लेने का सोचा और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है. सो थर्ड इज, जो ट्रस्ट हमारा मैक्स भोपा में था वो और सीमेंट हो गया. सो फोर्थ इज, नॉट ओनली वी अर्न्ड अ कस्टमर, वी ही मे गिव अस रेफरल्स इन फ्यूचर. फिफ्थ इज, अगर आपको लगता है कि आपके भी कोई क्लेम्स रुके हुए हैं या किसी कारण से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पे कोई ग्रीवेंस है विद रिगार्ड्स टू लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, सो वी आर देयर टू हेल्प यू. मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि हम आपका सोल्यूशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट कोशिश पूरी करेंगे कि आपको क्लैरिटी जरूर दे देंगे कि कहाँ पे क्या गैप है. सो वील बी एबल टू हेल्प यू ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.